सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं उज्जैन में फिर से सेकेंड हैंड कार मार्केट में, और आज आपको दिखाने जा रहे हैं न्यू सुपर मोटर की कारें दिखाने जा रहे हैं। कार का कलेक्शन आप देखते हैं पीछे की, बहुत ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे रहता है। आपको हर मनपसंद आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको TUV, अर्टिगा, डिज़ायर और बलेनो, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मनपसंद सारी गाड़ियाँ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे TUV 300, अर्टिगा TUV 300, इधर भी आपको दिखाएंगे TUV 300, स्कॉर्पियो और एक और बोलेरो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आपकी डिमांडेबल गाड़ी अर्टिगा, बोलेरो और TUV 300 आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं न्यू सुपर मोटर की गाड़ियाँ सारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, 20,000 सब्सक्राइबर पे हमने ये गिव अवे रखा था और 30,000 सब्सक्राइबर होने पर हम ये इसका विनर अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जाके पार्टिसिपेट करिए। इस तरीके का थंबनेल देखने को मिलेगा, चैनल में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जाइए पार्टिसिपेट करिए और विनर बनने का मौका पाइए न्यू सुपर मोटर उज्जैन में। तो भाई गाड़ियों का तो यहाँ पे भंडार होने वाला है, मतलब गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ आपको न्यू सुपर मोटर पर देखने को मिलेगी, एक से एक फर्स्ट ऑनर गाड़ियाँ अधिकतर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि उज्जैन शहर में आपको देखने को मिलेगी। तो इतना सारा आपको कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो गाड़ी आपकी मनपसंद गाड़ी है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, छोटे बजट से लेकर आपको सारे बजट के ऊपर तक के बजट के आपको सारी गाड़ी देखने जैसे मिल जाएगी। जैसे कि वहाँ पे फॉर्च्यूनर वगैरह देख सकते हैं और इनोवा वगैरह भी आपको देखने को हमेशा यहाँ पर मिल जाती है। तो लो बजट से लेकर जो बड़े बजट की गाड़ियाँ हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो न्यू सुपर मोटर में उज्जैन में आपको आज गाड़ियाँ दिखाने आए हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ की TUV 300 से। 2018 मॉडल आपको देखने को मिलेगी, T6 Plus एकदम आपको बेहतरीन टॉप से सेकंड का मॉडल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये बात करें क्या डिमांड रखी सर इसकी, 8 लाख सर की डिमांड रखी गई है TUV 300, आपको डिमांड की जो गाड़ी रहती है तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 8 लाख डिमांड में। T6 Plus मॉडल आपको देखने को मिलेगा एकदम फ्रेश कंडीशन में और वाइट कलर में आपको देखने को मिलेगी, एकदम शानदार शाइनिंग कंडीशन में फर्स्ट ऑनर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपकी कंडीशन कितनी शानदार आपको देखने की ऊपर से मिल रही है, और पीछे से लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे का लुक इसमें देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो सारे टायर आपको लगभग 80% से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं इसमें, एकदम नए से टायर आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं। तो ये गाड़ी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं TUV 300 की। अब इसकी डिमांड जो है वो 8 लाख रखी गई किलोमीटर में, आपको बताता हूँ अंदर से भी कंडीशन आपको दिखाता हूँ इसमें। और अंदर घुसते ही आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी, और कुछ इस तरीके से आपको जो मीटर शो कर रहा है 10,000 किलोमीटर मात्र ये गाड़ी चली हुई है जो कि आपको देखने में मिल रहा है स्क्रीन पे। और ये गाड़ी की कंडीशन आप देखते हैं एकदम नई जैसी पूरी गाड़ी की कंडीशन है, मात्र 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। 7 सीटर गाड़ी होने के साथ साथ आपको अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल रही है, कंपनी फिट एंड सिस्टम मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, लोकल लोक सिस्टम भी मिल रहा है इसमें आपको, और कुछ इस तरीके से गियर वगैरह लगे हुए आप देख सकते हैं। खूबसूरत और शाइनिंग कंडीशन में आपको TUV 300 यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद में आपको दिखाते हैं जो डिमांडेबल डीजल गाड़ी होती है जो कि अभी फिलहाल बंद हो चुकी है कंपनी से, लेकिन आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी और अच्छा खासा फायदे का सौदा आपको देके जाएगी, क्योंकि अभी डीजल गाड़ी बंद होगी और डीजल गाड़ी में इसकी जो माइलेज है वो 26 का माइलेज है और जो पेट्रोल गाड़ी में इसका माइलेज है वो 18 का माइलेज है। तो माइलेज जो आप कंपेरिजन कर सकते हैं उस हिसाब से ये कितनी डिमांडेबल गाड़ी होगी और कितनी ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड होगी मार्केट में। तो 2019 मॉडल है, डिमांड क्या रखी गई सर, मारुति सुजुकी अर्टिगा 2019 मॉडल, 11 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। और ये गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं आप, शानदार कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे मारुति सुजुकी अर्टिगा मेहरून कलर में। और अंदर से भी आपको दिखाते हैं तो ये कुछ अर्टिगा की बेचिंग वगैरह लगी हुई, लाइट वगैरह सिस्टम बाहर से आपको देखने को मिल जाएगा। और अंदर की तो बात ही क्या करें, अंदर तो जो खूबसूरती अर्टिगा की वो अलग ही एक लेवल की बनाई गई है, मतलब इसको जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा सुधार के साथ इसको एक नेक्स्ट लेवल की गाड़ी अंदर से बनाई गई है। तो ये मारुति सुजुकी की बेचिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी इसमें आपको, ये मोड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको सामने ही, और सीट कवर वगैरह कुछ इस तरीके से शानदार सीट कवर देखने को मिल जाएंगे आपको। और गाड़ी का लुक तो भाई मतलब एक अलग ही लेवल का मुझे भी लगता है, और मुझे पर्सनली बताऊँ तो अर्टिगा 2019 मॉडल जब से बनी है तब से काफ़ी शानदार कंडीशन में इसको बनाई गई है और काफ़ी शानदार इसको लुक भी दिया गया है। तो आपको ये पे 2019 मॉडल देखने को मिलेगी 11 लाख की डिमांड में, मेहरून कलर में, VDI मॉडल अर्टिगा विथ हाइब्रिड सिस्टम के साथ में।
तो 45,453 किलोमीटर ये गाड़ी शो कर रही है। और इस तरीके से आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा इसमें आपको। और गाड़ी की जो कंडीशन है वो काफ़ी शानदार है अंदर बाहर दोनों तरफ। इसके बाद आपको दिखाते हैं ड्यूल ट्यूल में TUV 300 महिंद्रा की, और इसके जो डिमांड रखी गई है वो 7.5 लाख रखी गई। 2017 मॉडल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये भी सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलेगी और शानदार शाइनिंग कंडीशन में ये भी आपको देखने को मिल रही है। टायर की बात करें तो सब जो टायर हैं आपको 50% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इस टायर में T6+ का मॉडल आपको देखने को मिलेगा, T6+ आपको देखने को मिलेगा ड्यूल ट्यून में TUV 300। अंदर से आपको दिखाते हैं कंडीशन, और अंदर गुस्से से कुछ इस तरीके से आपको शानदार सीट कवर वगैरह देखने को मिलेंगे, शानदार कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। तो सीट कवर देखते हैं आप, ये क्रीमी टाइप में सीट कवर, इसमें तकिया वगैरह आपको सब देखने को मिल रहा है इसमें, और काफ़ी शानदार कंडीशन में आपको ये TUV 300 देखने को मिल रही है अंदर बाहर दोनों तरफ से। और इस तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा कंपनी फिटेड वगैरह, और शानदार कंडीशन, चारों पावर विंडो मिल रही है इसमें आपको, लोकल लॉक सिस्टम भी मिल रहा है। 2 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कंडीशन वगैरह। उसके बाद में आगे वगैरह चेक वगैरह कर सकते हैं आप, और अच्छे से चेक वगैरह करके गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन वगैरह तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, और 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है तो आप उस अपने हिसाब से चेक वगैरह करके यहाँ से ले जा सकते हैं। 7.5 लाख सर की डिमांड है, 2017 मॉडल आपको देखने को मिलेगी, और चारों टायर आपको 50% इसमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो, थोड़ी सी पीछे अंदर दबी हुई है तो मैं आपको चारों तरफ से कंडीशन नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी कंडीशन आप सामने देखने को मिल रही है, और काफ़ी खूबसूरत कंडीशन भी आपको देखने को मिल रही है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो S4 मॉडल आपको देखने को मिलेगा विथ हाइब्रिड सिस्टम के साथ में। स्कॉर्पियो 2017 मॉडल 7.5 लाख की डिमांड के साथ में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और काफ़ी शानदार कंडीशन में आपको ये भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। अंदर से भी आपको कंडीशन वगैरह दिखाते हैं। टायर की बात करें तो सारे टायर आपको 50% टायर देखने को मिलेंगे, और अंदर देखते ही मतलब स्कॉर्पियो की बात ही क्या, एक अलग मतलब आपको देखने को मिलता है स्कॉर्पियो में सिस्टम। अंदर से पूरा ये आपको सिल्वर और ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगा ये, और इस तरीके से आपको LED स्क्रीन मिल जाएगी, बड़ी सारी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक AC नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल AC इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और सारे जो पावर विंडो वगैरह देखने को मिल जाएंगे इसमें। कुछ इस तरीके से कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं, तो सीट कवर वगैरह नहीं लगे इसमें, लेकिन सीट इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो ये है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो कंडीशन, और 37,535 किलोमीटर ये गाड़ी टोटल चल चुकी है, और इस तरीके से आपको कंडीशन वगैरह देखने को मिल रही है। 2017 मॉडल 7.5 लाख की डिमांड के साथ में फर्स्ट ओनर आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे मिल रही है न्यू सुपर मोटर पे। उसके बाद आपको दिखाते हैं बोलेरो का SLX मॉडल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 2018 मॉडल आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 2018 मॉडल आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, और कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और टायर की बात करें तो सारे टायर आपको मतलब एकदम नए जैसे देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो ये गाड़ी की कंडीशन है अंदर बाहर से है, और अंदर से भी आपको दिखा देंगे। तो अंदर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको बोलेरो की कंडीशन देखने को मिलेगी। 53,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी शो कर रही है, और बाहर से म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगे हुआ इसमें, और सीट कवर वगैरह कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं लगी हुई है, एकदम शानदार कंडीशन में आपको देखने को मिल रही है। 2018 मॉडल बोलेरो, चारों पावर विंडो वगैरह आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं, और गाड़ी कंडीशन आप देख ही सकते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से। 2018 मॉडल आपको देखने को मिल रही है बोलेरो, और SLX मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे टायर आपको 80% से ऊपर टायर देखने को मिल रहे हैं इसमें। भाई मेरा सैयद गुड्डू नाम है, सैयद गुड्डू जी यहाँ से, और उनका न्यू सुपर मोटर से अपना आगर रोड पे है, चौपाल सागर के सामने, RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज से पहले अपना नाके पे था, 5 नंबर नाके पे, उसको शिफ्ट करा, अभी 7 तारीख को अपनी ओपनिंग हुई इसकी। तो यहाँ क्या है कि हर तरह की वैरायटी है गाड़ियों की, स्टॉक ज़्यादा है, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो कस्टमर को काफ़ी रिजनेबल रेट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। सब फाइनेंस फैसिलिटी भी है, सारी फैसिलिटी, गाड़ी एक्सचेंज की फैसिलिटी भी है, कोई गाड़ी चेंज करना है वो भी हो जाएगी, बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं, गाड़ी बदलना चाहें बदल भी सकते हैं, सब तरह के ऑफर हैं। अभी जो एड्रेस है अपना ये आगर रोड चौपाल सागर के सामने, RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज से पहले, न्यू सुपर मोटर्स।